तो भाई घर में हो चुका था आरओ खराब और हमने पकड़ ली बस 214 नंबर की सीमापुर रेडी प्रो से और निकल पड़े हम लाजपत राय मार्केट में सामान लेने के लिए आरओ का। यहाँ पे अगर आसपास सामान लेते हैं आरओ के लिए तो बहुत ही ज़्यादा महंगा मिलता है, तो हमने कहा कि चलो भाई एक ये भी ट्रिप कर ली जाए। बस में चढ़े हुए 3-4 साल हो गए थे तो हमने कहा चलो मेट्रो से नहीं बस से चलते हैं, और बड़े आराम से हमें पहुँच गए लाजपत राय मार्केट। ये लाजपत राय मार्केट पहुँचते हैं आप देखोगे ना हर जगह ही मतलब पूरा सामान ले लेके लोग इधर उधर घूमते रहते हैं फिरते रहते हैं, और बहुत ही बड़ी मार्केट है। क्या चीज़ नहीं मिलती यहाँ पे, हर चीज़ मिल जाती है, जो भी चीज़ ढूंढोगे हर चीज़ अवेलेबल। तो ये थी वो शॉप जहाँ से मैंने मैमरन ख़रीदा, प्री सेडिमेंट फ़िल्टर ख़रीदे, इसके अलावा बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें ख़रीदी जो मेरे आरओ के काम में आने वाली थी पीछे आगे भी सर्विसेज के लिए। तो मैंने सारी की सारी चीज़ें, मैंने कहा भाई खुद सर्विस मैन बनना है इस बार, चाहे पैसे फंसा लूँ पैसे ख़राब हो जाएं, लेकिन मुझे सब कुछ ख़रीदना था। बहुत सारी चीज़ें मैंने यहाँ से परचेज़ की। ये छोटी सी बच्ची यहाँ पे बैठी हुई थी, इससे भी मैंने हाय हेलो किया, और उसके बाद भाई कहाँ रुकने वाला था मैं, जब चांदनी चौक आए हैं तो कितनी सारी चीज़ें देखिए ज़रा, पूरी मार्केट सजी हुई थी। मार्केट में जगह जगह बहुत सारी चीज़ें मिल रही थी, बहुत सारी चीज़ें नकली भी मिल रही थी। एक मॉस्किटो किलर मैंने इस भाई साहब के यहाँ से भी ख़रीदा था, आगे आप देखेंगे ये देखिए यहाँ से, तो लेकिन ये काम नहीं किया भाई। लेकिन फिर नाइट लैम्प का काम तो कर ही रहा है, बहुत ही सही है, मतलब ब्लू सी रोशनी दे रहा है एकदम, ऐसा लग रहा है जैसे कि हाँ पूरा घर जो है वो चांदनी की रोशनी में है, पूरा कमरा बहुत ही बढ़िया लगता है। आप यहाँ पे जाओगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको ख़रीदने के लिए मिलेंगी जो कि आपको लोकल मार्केट में बहुत ही ज़्यादा महंगी मिलती है। और जब मैं चांदनी चौक की बात करते हैं ना जब, तो फिर शीशगंज गुरुद्वारा जो है वो दर्शन करना तो बिल्कुल बनता ही है। आप देखिए पूरा रोशनी से नहाया हुआ एकदम ये शीशगंज गुरुद्वारा, एकदम आनंद आ गया। और ये पूरा अमृत वाले भाई, इतना सुंदर गुरुद्वारा और इतने अच्छे लोग, यहाँ से तो जाने का मन ही नहीं करता है बिल्कुल भी। जगह जगह से मेरा मन कर रहा था रिकॉर्डिंग कर लूँ, यहाँ से भी बैठ के कर लूँ, वहाँ से भी बैठ के कर लूँ, बहुत ही आनंद आया। आप लोगों को भी ज़रूर जाना चाहिए जब भी आप उस एरिया में जाएँ तो। इतनी बड़े बड़े लोग यहाँ पे सेवा देते रहते हैं, जिनके पास मर्सिडीज़ हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, वो लोग भी यहाँ पे बिल्कुल एकदम ऐसे सेवा देते रहते हैं। सेवा भाव की जो भावना है ना इस धर्म में, वो बहुत ही महान लगती है मुझे, बहुत ही आनंद आता है जब मैं यहाँ पे आता हूँ तो। शाम का वक्त हो चला था और चाय यहाँ पे जो सर्व की जा रही थी, मैंने कहा चलो भाई चाय पी ली जाए। चाय पीने के बाद, बहुत ज़्यादा चाय नहीं ली मैंने, थोड़ी सी चाय ली क्योंकि मैं ज़्यादा चाय नहीं पीता। लंगर छकने का टाइम आ गया था और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लंगर था, और मैं क्या ही बताऊँ आपको। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं पूरा ही रोशनी से जगमगाता हुआ शीशगंज गुरुद्वारा, मैंने अभी अभी दर्शन किए हैं, जाके मत्था मैंने टेका है, अपनी अरदास दी है, इसके बाद फिर मैंने लंगर भी छका है, क्योंकि मैं ना कभी भी जब गुरुद्वारों में आता हूँ और अगर मुझे चांस मिलता है तो ज़रूर मैं लंगर छकने की कोशिश करता हूँ। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सा लंगर होता है और मुझे लगता है कि भावनाओं से भरा हुआ होता है, इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा टेस्ट लगता है। देखिए पीछे कितना ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया। आगे चांदनी चौक का मैं पूरा नज़ारा आपको दिखाऊँगा, कैमरा इतना ज़्यादा अच्छा काम नहीं कर रहा है, लेकिन ना मुझे बड़ा ही अच्छा लग रहा है, बड़ा आनंद आ रहा है। काफ़ी सालों बाद इतनी रात को मैं यहाँ पे आया हूँ। अगर आप 5-7-10 साल पहले आते तो इतनी रौनक नहीं रहा करती थी रात के टाइम, लेकिन अभी रात के टाइम बहुत ही ज़्यादा रौनक है। तो बोलिए वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। तो ये सारा सुंदर चांदनी चौक का नज़ारा आप देख रहे हैं द ठाकुर फैमिली ब्लॉग मिथिला के माध्यम से। बहुत ही ज़्यादा सुंदर नज़ारा है, हर तरफ लोग चल रहे हैं खरीदारी कर करके जो आ रहे हैं, वो भी मेट्रो की तरफ जाने के लिए, शीशगंज गुरुद्वारा में यहाँ पे अपने दर्शन करने के लिए, अपने जीवन को धन्य करने के लिए सभी जा रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा सुंदर सजाया हुआ है, और इस धर्म के तो क्या ही कहने, हमारे देश में जितने भी सुंदर धर्म हैं वो सब में अपने आप में बहुत ही ज़्यादा अच्छी खूबसूरती को छुपा के रखते हैं।
आप देखिए कि किसी भी धर्म, किसी भी कास्ट, किसी भी पंथ के लोग यहाँ पे जाके और आराम से लंगर चख सकते हैं, किसी को कुछ टोका नहीं जाता। अगर आपको ये पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जल्दी जल्दी कर लीजिए प्लीज, अभी अभी अभी।